हे गाइस, आप देख रहे हो बिल्कुल आसान और टेस्टी रेसिपी, भागिएगा मत। टोस्ट, एक प्याला पानी, एक प्याला शक्कर, आधा लीटर दूध, दो तीन ड्रॉप, दो तीन बूंद केवड़ा, हसबे जरूरत घी, 10-12 हरी इलायची, काजू और पिस्ता मेरे पास है, ये मैंने लिया है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप वो लें। हाँ मगर टोस्ट ये वाले ना लें, मेरे पास है, मैंने लिया है, मगर ये टोस्ट बहुत ज्यादा घी को अपने अंदर जस्ट कर लेते हैं। सादे वाले टोस्ट लें। एक साइड दूध को पकने के लिए रखें, दूसरी साइड एक प्याला पानी में एक प्याला शक्कर डालें, यानी कि हसबे जरूरत शक्कर लें और शक्कर बराबर पानी डालें। ये बन रही है चाशनी, तो धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। चाशनी को धीमी आंच पर बहुत देर तक पकाना होता है, यहाँ तक कि जब हम चम्मच से इस चाशनी को उठाते हैं तो वो लेसदार तार की तरह नीचे गिरे। दूध को ब्राउन होने तक पकाएं, बादामी होने तक पकाएं। यहाँ पर हसबे जरूरत घी लें और तलें इसमें ड्राई फ्रूट्स को, जो छोटे छोटे पतले पतले काट के रखा है। ये रेसिपी आप अगर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, बना सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आसान है और मगर बहुत ही टेस्टी है। उंगलियां चाटोगे, इसलिए हाथ जरूर धोया करें। तो ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा ब्राउन होने ना दें, फटाफट निकाल लें। निकालने निकालने तक ये जल भी जाते हैं, और इसे दूध में डाल दें। इलायची को छीलकर उनके सीड्स को, बीज को पीस लिया था, तो वो भी डाल दें। पाउडर डालें इलायची पाउडर, और इसमें और हसबे ज़रूरत घी डालकर टोस्ट को फ्राई करना है। 3-4 पीस डालकर फ्राई करें, मगर फटाफट फ्राई करना। और यहाँ पर 3 ड्रॉप केवड़ा डाल लें इसी दूध में। घी गरम हो चुका है, टोस्ट को फटाफट पलटाएं, बहुत जल्दी जल जाते हैं। पलटाने के बाद भी, निकालने के बाद भी ये पकते रहते हैं। बस इतना ही होने दें। इस तरह 4-4 पीस करके फ्राई करें। ज्यादा करोगे तो कच्चे पक्के रह जाएंगे, ज्यादा डालोगे तो। ये वाले टोस्ट ज्यादा घी को अपने अंदर जस्ट करते हैं, और इस तरह फटाफट पलटाना है, वरना ये जल जाएंगे, फिर टेस्ट बाकी नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक बर्तन में इस तरह फैला लें, बिछाते जाएं। इसी तरह सारे टोस्ट को फ्राई कर लें। मैंने किया है तो थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। और इस तरह फैला लें। और ये जो दूध है, ये छोटा सा वीडियो मेरे से डिलीट हुआ है बाय मिस्टेक, तो मैंने दूध को इसी तरह से सारे टोस्ट पे फैलाते हुए डाला है गोल गोल, जैसे ये चाशनी डाल रही हूँ। हाँ मगर चाशनी भी गर्म होनी चाहिए और दूध भी गर्म होना चाहिए। इस तरह ब्रेड्स पे, टोस्ट पे इस तरह डालना है हमको, चाशनी भी गर्म रहे, दूध भी गर्म रहे। अब ढक्कन बंद करके कुछ देर के लिए रख दें कि इसके अंदर चाशनी और दूध जज्ब हो जाए। उसके बाद आप चाहो तो इन्हें पीस बना सकते हैं या ऐसे ही पेश कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार, लजीज, डबल का मीठा शाही टुकड़ा।